इसका मेरा टॉप टॉप मच्छर ने पप्पी दे सही बांध फिर क्यों सुनते हैं बार बार कड़ी उड़ जाता समझ नहीं आता ये तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और आज जा रही हूँ मैं कॉलेज. बहुत कम कॉलेज जाना हो रहा है आजकल क्योंकि एक तो थर्ड ईयर है हमारा तो कुछ ज़्यादा कॉलेज में आजकल होता नहीं है. आज मैं इसलिए जा रही हूँ कि असाइनमेंट देनी है और इतने दिन बाद मैं इतनी जल्दी उठ के मैं बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है. वैसे तो 8:30 बज रहे हैं पर बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार. आज अच्छी उठ गई मुझे समझ नहीं आ रहा फर्स्ट ईयर में मैं कैसे 7 बजे उठ के मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाती थी 7:30 कि 9 बजे वाली क्लास लेनी है. इतनी एक्साइटमेंट थी सब ख़त्म हो गई मेरी मन भर चुका है. और अब थर्ड ईयर है मैं आपको अपना दिखाती हूँ OTT दिखाती हूँ. बस मैंने नॉर्मल सी टी शर्ट डाली है और नॉर्मल सी अपनी जीन्स पता. अभी मैं जाऊंगी ना कॉलेज फर्स्ट ईयर के बच्चों में जो एक्साइटमेंट होगी जो सच सच के आएंगे वो सब हमारी ख़त्म हो चुकी है. अब तो सिर्फ हम असाइनमेंट देने जाते हैं कॉलेज और मैं भी वही करने जा रही हूँ. आज असाइनमेंट देने जा रही हूँ फिर उसके बाद हमारे इंटरनल टेस्ट हैं तो वो सब होंगे. तो अब थोड़ा कॉलेज जाएंगे हम थोड़े दिन बाकी. तो बस अब मैं जल्दी से निकल रही हूँ क्योंकि 10 बजे का लेक्चर है और उसमें तो मैं पक्का लेट होने वाली हूँ पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि चली जाऊँ. और आज हम बहुत दिन बाद जा रहे हैं तो शायद आज हम लोगों का कुछ प्लान और भी है तो आप व्लॉग में बने रहना. शायद हम लोग कहीं घूमने जाएंगे तो व्लॉग होने वाला है काफ़ी एक्साइटिंग. सो अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ मैं कॉलेज आ गई हूँ और हमारी पहली क्लास छूट गई है. हम लोग असाइनमेंट लेके घूम रहे हैं अभी और मैम का वेट कर रहे हैं क्लासरूम के बाहर. मतलब मैम का दूसरा लेक्चर होगा कहीं उनको असाइनमेंट देंगे उसके बाद. आज हमारे कॉलेज में है NCC की फेस्ट तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी. और हमें मुझे नहीं पता था कि आज हमारे कॉलेज में फेस्ट है सो वो भी देखते हैं. सो गाइस हमने असाइनमेंट तो सबमिट कर दिया है और अब हमारी क्लास है 1 घंटे बाद. और कॉलेज में यार आज कॉलेज में शायद कुछ है आज सब ना NCC का फेस्ट है. हाँ तो नीचे बहुत रश हो रहा है कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं अभी हम लोग नीचे जाएँगे. हाँ अभी हम लोग नीचे जाएँगे तो आप लोगों को दिखाएँगे क्योंकि अभी हम तो 1 घंटा फ्री हैं फिर कॉफ़ी वगैरह पीने चल रहे हैं. हम जाएंगे आज हनुमान प्राचीन मंदिर सीधी वाले. हाँ तो आप व्लॉग पूरा लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर है और बहुत ज़्यादा मान्यता है उस मंदिर की तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे. बिल्कुल तो वहाँ ज़रूर आप मतलब व्लॉग में बने रहना. बाकी अब आपको हम नीचे चलते हैं नीचे कुछ प्रोग्राम हो रहा है आप लोगों को वो दिखाते हैं. चलो कॉलेज पूरा खाली है क्योंकि नीचे इवेंट चल रहा है तो सब वहीं पर है. और यार मेरे को अपना कॉलेज बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि मेरे कॉलेज में बॉयज़ नहीं है ये गर्ल्स कॉलेज है. कहाँ है कॉलेज में आते ही मेरे यहाँ पे मच्छर ने पप्पी दे दी पप्पी दे दी. हम लोगों ने कॉफी नहीं पी आज शिकंजे मिल रही थी हमारे कॉलेज के बाहर जैसे लोगों ने वो ट्राई किया. बताओ यार मच्छर काट गया मुंह पे इसे छेड़ी हूँ मैं. सो गाइस हम अपना एंजॉय कर रहे हैं सो हमने क्लास ले जाएंगे बंटा मेरे लिए शिकंजी. मेरे को सोडा वाली चीज़ें पसंद नहीं है इसलिए मैंने बंटा नहीं लिया इसमें सोडा है. सो मिलते हैं आप लोगों को. युक्ता आप कुछ कहना चाहोगे मेरे व्लॉग में? अरे यार बहुत गर्म है. कौन बहुत गर्म है तुम या चाय? आपका ओह कस्टमाइज ओके ओके. अब हम जा रहे हैं जनपद मार्केट क्या करने इसका मेरा टॉप 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 चेंज करने
मैं थोड़े दिन पहले सरकट मार्केट गई थी तो वो टॉप भैया कह रहे थे आ जाएगा दीदी आ जाएगा, दीदी को नहीं आया भाई नहीं आया, तो हम लोग को चेंज करने जा रहे हैं, हमने अपने कॉलेज से ऑटो ले लिया है, तो इसके बाद हम जाएंगे मंदिर, मंदिर वहीं से 5-10 मिनट की दूरी पे, सो या हमने भी ऑटो कर लिया। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है, इसकी स्टोरी गूगल पे ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, और अभी तो ये मंदिर बंद है तो इसलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आएंगे अपनी थर्ड फ्रेंड के साथ स्मिता। ये सृष्टि दोबारा से नहीं, दोबारा नहीं सॉरी 20th टाइम लेस बांधते हुए। मैं यार सही बांधती हूँ, फिर क्यों खुलते हैं ये बार बार खड़ी हो जा। घर आ गई हूँ और ये मैं बाहर के शूट इसलिए कर रही हूँ कि अंदर भाई की मीटिंग चल रही है, मतलब उसका ऑफिस का काम चल रहा है। सो काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए थे और टाइम हो रहा है इस टाइम ऑलमोस्ट 5 ही बज गए हैं, बस 10-15 मिनट है। अब बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, आज इतनी थकान इसलिए नहीं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, वरना इस टाइम तक तो मेरी इतनी हालत बेकार हो जाती है, तो धूप इतनी नहीं थी तो काफ़ी अच्छा मौसम रहा, काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का। तो अब मैं आप लोगों को मिलूंगी थोड़ी देर में, थोड़ा सो जाऊँ, थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ। सो या आप लोग सुबह से ब्रूनो से नहीं मिले हो तो ब्रूनो से मिलो, मेरे ब्रूनो कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, घूमी घूमी कम कम ब्रूनो कम चल 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 घुसी हेलो। सो के उठा है अभी गुगू, क्या चेक कर रहे हो? तो गाइस हम लोग ब्रूनो को लेके जा रहे हैं घुमाने, पर बारिश शुरू हो गई है तो मुझे लग रहा है हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो के उठ गई थी और बाहर आई हूँ ब्रूनो को घुमाने, पर बारिश शुरू हो गई है तो शायद अब घूमने तो मैं जा नहीं पाऊंगी, बस थोड़ी देर ब्रूनो को ही घुमा रहे हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई है तो कहाँ घूमेंगे। ब्रूनो को भी हम बारिश में नहीं घुमाते हैं, डॉग्स को बारिश में नहीं घुमाना चाहिए। सो मैं आप लोगों को एक बार ब्रूनो को दिखाती हूँ, कोई फर्क नहीं है, बारिश पड़ रही है तो मस्त जा रहा है घूमते घूमते। पापा पर ज्यादा होगी तो फिर दूर लेके जाएंगे तो हाँ, बस थोड़ा ही घुमा। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अब कुछ खास मेरे पास है नहीं करने के लिए, बस मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगी क्योंकि कल कॉलेज में टेस्ट है। सो गाइज अगर आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।